अलैक्म जी। 27 जुलाई की सुबह 5:30 बजे का ये मंजर है जी। साहिवाल शहर है, ये आसमां देख रहे हैं आप, और इतना खूबसूरत मंजर है। सुबह 5:30 बजे 27 जुलाई 2023 की सुबह साहिवाल का मंजर है, और ये मेरा प्रोग्राम है वॉक एंड टॉक। मेरी वॉक का टाइम है, तो साथ साथ मैं आपको ये मंजर भी दिखाता हूँ। खूबसूरत मंजर शायद ही आपने देखा हो। गुजरी रात में शदीद बारिश होती रही, और सुबह का इस बदलता हुआ जो मंज़र जो है इतना खूबसूरत है कि इसको आपके साथ शेयर करना मैं जल्दी समझता हूँ। ये देखें आसमां पे आप बादलों को देख सकते हैं, और ये फ़जाओं में उड़ते परिंदे आपके सामने हैं, और यूँ देखें ये एक हमें परिंदे ये सबक भी दे रहे हैं कि घोंसलों से निकले हैं रोज़ी के लिए, फ़ज़ा हवा पे गौर व फिक्र करने के लिए। ये हल्की फुल्की हवा भी चल रही है, शायद आप इसको देख सकें। तो ये साहिवाल का इलाका शादमान टाउन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको मैं अपने वॉक टाइम के दरमियान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सुबह के 5:30 बजे का मंजर ये मैं अपने घर की छत से जो ऊपर है वो आपको दिखा रहा हूँ, और ये मंजर जो है ये आपको दिखा रहा है कि कितना ये इस वक्त का जो सुबह फ्रेश ऑक्सीजन है ये हमारी लंग्स के लिए, हमारी हेल्थ के लिए कितनी ज़बरदस्त है। एक्चुअली अगर हम देखें तो सुबह का जो वक्त होता है ये उस रब का शुक्र अदा करने का भी होता है कि उसने ज़िंदगी में हमें एक नया दिन दिया है। इस दिन में हमने क्या करना है मैं बताता चलूँ कि दिन रात में 24 घंटों में 1440 मिनट होते हैं, तो 24 घंटे के दिन रात में यानी 27 जुलाई को अगर हम इस हदीस पे अमल शुरू कर दें कि मोमन का हर दिन गुजरे दिन से बेहतर होता है, तो जब हम सोचते हैं कि गुजरे दिन से जो नया दिन है ये बेहतर हो, इसका मतलब है कि हर पहलू से इसको देखना है, अपने इल्म से, अपने अमल से, अपने रवैयों से, अपनी सोच से, अपनी फ़िक्र से, अपने एटीट्यूड से, अपनी सियासी बसीरत से, समाजी बसीरत से, हमें हर तरह से अपने आप को इम्प्रूव करना है हर दिन को। तो जब अफराद इस तरह सोचते हैं तो फिर वो कौमों के रवैयों की शक्ल में बदलता है, और पूरी कौम तरक्की उस वक्त करती है जब उसके अफराद तरक्की करते हैं। तो अफराद अपने रवैये बदलते हैं तो वो मजमूई तौर पर कौमों के रवैये बन जाते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आजकल के जो हालात हैं उसके मुताबिक देखा जाए तो लोग सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा मायूस हैं। लोग वोट किस पार्टी को डालते हैं इख्तदार में, कुछ कौन आ जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर सियासी बसीरत को मज़ीद बेहतर करना होगा, हमें यह देखना होगा कि वो कौन है जो हमारे वोट के हक़ को भी छीन लेता है, वो कौन है जो हमारे रिज़्क को भी छीन लेता है, वो कौन है जो अपने ज़ाती मफाद को तरजीह देता है कौमी मफाद पे। आएँ सब मिलकर पाकिस्तान में जमहूरियत को फ़रोग दें, और कौन सी जमहूरियत जो सही मानों में जमहूरियत है जिसमें ताकत का सच चश्मा आवाम हो, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह और कायद आवाम सरकार अली भुट्टो शहीद ने कौम को एक सोच ली थी। लेकिन हमारा वास्ता पड़ा उन हुक्मरानों से जिन्होंने कायद आज़म की बहन को भी गद्दार करार दिया। हमें सोचना होगा कि इस पाकिस्तान को चंद अफराद ने चलाना है या आवाम की अक्सरती वोटों ने, तो ज़रूरत इस बात की है कि सियासी तौर पर आवाम के अंदर इतना शऊर आए कि जब इनके वोट को चुराया जाए, वोट को इज्जत ना दी जाए, तक आवाम ना हो, दीन हमारा इस्लाम और मईशत हमारी सोशलिज़म ना हो, ये सब चीज़ें इस्लाम के हकीकी रुख के मुताबिक हमें जो आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें सबको, तमाम सियासी जमातों के जो कायदीन हैं, जो वोटर्स हैं, उन सबको इस बात पर मुतफिक होना चाहिए कि पाकिस्तान में ताकत का सर चश्मा आवाम ही है,
हकमियत अल्लाह की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सियासी तौर पर जब हम ये कहते हैं तो इसका मतलब है कि वोटर्स को इज्जत देना और वोट को इज्जत देना है। बहुत शुक्रिया, इंसाफ का बोलबाला करना। शुक्रिया प्रोफेसर जलील भट्ट, यूट्यूब चैनल।